अलवर वार्ड नंबर 53 आजाद नगर में पानी की समस्या के चलते स्थानीय लोगों ने 60 फुट रोड पर जाम लगा मटका फोर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस शहर अध्यक्ष जयदीप आर्यन के नेतृत्व में किया गया। जाम करीब आधा घंटे तक लगा रहा। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया। जाम के चलते स्थानीय वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 53 में करीब एक महीने से पानी नहीं आ रहा। क्षेत्र में गोपालिया बिल्डर के सामने बोरिंग है जिसमें पाइप बढ़ाकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं दूसरी बोरिंग में बल्ब लगाकर गली का पानी बंद कर दिया गया। इस प्रकरण में जलदाय विभाग अधिकारियों को लिखित पत्र देकर अवगत कराया एवं निवेदन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। ऐसे भयंकर गर्मी के मौसम में मोहल्ले वासियों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड 53 है, साठ फुट रोड आजाद नगर। बताइए क्या समस्या है? ये दो महीने से पानी आ ही नहीं रहा हमारे बिल्कुल ना। हमारी माताएं बहने जितने भी हमारे भाई हैं सब पानी लेके परेशान होने पड़े और पानी हमें भरने भी नहीं दे। इधर वार्ड लगा हुआ है, वार्ड वार्ड भावों ने वार्ड लगा हुआ है वो बंद कर दिया है वार्ड। उससे हमारे पानी आता था, हमारे वार्ड में पानी जाता था और ये वाला भी बाल बंद कर दिया। इस बाल में पानी आता था। बाल किसने बंद कर दिया? बाल हमें ही नहीं पता किसने बंद करा, लेकिन बाल बंद हो गया है। हमारे यहाँ से होती थी सुबह 5 बजे आता था पानी, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, फिर आता था 9, 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक पानी आता था। अब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा और इतने परेशान हो रहे हैं। मान लो कि जो भाई हमारे काम करते हैं, काम पे जाते हो बेचारे, काम पे भी नहीं जा रहे पानी की वजह से, पानी भरते हैं, परेशान हुए पड़े। एक भाई हमारा पास जी अरविंद सरदार जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए पानी भर भर के। आज हमने 60 फुट पे जाम लगाया। गब्बर मीट वाले के यहाँ पर वाल लगना चाहिए। 2-3 महीने से यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। उधर से पानी आता था, वो पानी जो उधर वाल लगा के इधर ले गए, उधर से वाल लग कर इधर भी आना चाहिए और उधर भी आना चाहिए। वाल सबके 3 महीने से परेशान है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक टपका भी नहीं आता। पहले पानी आता था, वो वाल उधर लगा दिया, पहले सीधा आता था, लेकिन उसमें वाल लगकर इधर भी छोड़े तो उधर भी छोड़े, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल पानी जाम कर रहा है। हाथ से लाना पड़ रहा है, टेंशनों में भर भर के हम खुले आते हैं दूर दूर। मैं वार्ड नंबर 53 से ही चुनाव लड़ा था। यहाँ विगत करीबन नहीं तो 1.5 महीने से इतनी ज्यादा समस्या आ रही है पानी की, और हम लोगों ने पहले बार बार प्रशासन को अवगत कराया गया है कि यहाँ वार्ड नंबर 53 के वासियों के द्वारा बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम हो रही है। हमने बोला था पानी जलदाय विभाग से कि वो लोग एक बार पानी का मिसमैनेजमेंट को सुधार कर यहाँ के वाल वगैरह की जो प्रॉपर समस्या है उसको समाधान करते हैं इन वार्ड वासियों के, क्योंकि 1.5-2 महीने से इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर केवल मजदूर वर्ग के आदमी रहते हैं जिनको सुबह जाना भी होता है, और वो लोग यहाँ पर सुबह काम धंधे पर निकलते हैं, उसके बावजूद उनकी मजदूरी पर इफेक्ट होता है। तो हम लोग प्रशासन से और बीजेपी के राज में बीजेपी का यहाँ मंत्री है, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो पानी का जो मिसमैनेजमेंट हुआ पड़ा है उस मिसमैनेजमेंट को सुधार कर आप लोग यहाँ वार्ड वासियों की पानी की प्यास को बुझाएं। मैं अपने यहाँ पर जो बीजेपी के मंत्री महोदय हैं संजय शर्मा जी, पिछले कार्यकाल में वो लोग पानी के लिए धरने पर बैठे थे, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द फील्ड में आकर देखें, अलवर शहर में आकर देखें कि क्या क्या किस किस तरीके से आम जनता पानी की वजह से त्रस्त हो रही है। मेरा निवेदन है बीजेपी सरकार से कि कृपया करके इस समाधान का जल्दी जल्दी समाधान करें।